हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रिकर में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉन टीचिंग भर्ती से रिलेटेड है। इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट के कुल 5 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में नॉन टीचिंग के कुल 6 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस वीडियो में सभी पद सरकारी नौकरी हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं और रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। तो आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। यदि आप 10वीं क्लास पास हैं और 10वीं क्लास पास लेवल पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। 12वीं क्लास पास हैं और 12वीं क्लास पास लेवल पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ग्रेजुएशन पास हैं और ग्रेजुएशन पास पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं और 10वीं क्लास 12वीं क्लास ग्रेजुएशन पास पर ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैनल पर यानी UGC नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल पर डेली के सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। साथ में यह वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार इस चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि डेली का वीडियो अपलोडेड है। अब हम बात करते हैं इसमें विभिन्न पद के बारे में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ पद, यहाँ पर वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं जैसा मैं बताया था, और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है सभी पदों के लिए, जिसके बारे में मैं बता दूंगा। इसमें जो सीरियल नंबर 1 में पद हैं, क्यूरेटर का पद है, कुल 1 पद हैं, एज लिमिट अधिकतम 40 साल हैं। असिस्टेंट पद के लिए एज लिमिट 35 साल हैं। टाइपिस्ट लेवल 6 के लिए एज लिमिट 35 साल हैं और कुल 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट L6 के कुल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और एज लिमिट 35 साल हैं। यह सभी पद रेगुलर बेसिस पे हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए ही आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, कुल 2 पद हैं, एज लिमिट सेम यानी 35 साल हैं, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एज लिमिट काउंट होता है वो 18 से लेकर 35 के बीच में ही काउंट होगा। टेक्निकल असिस्टेंट लैब कंप्यूटर साइंस के लिए यानी कंप्यूटर के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं, कुल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट अधिकतम 35 साल हैं। स्टेनोग्राफर का जो पद है वो 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं स्टेनोग्राफर का, और कुल 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट अधिकतम 30 साल हैं यानी 18 से लेकर 30 साल। LDC का पद पर आवेदन आमंत्रित हैं यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, कुल 23 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट अधिकतम 23 साल हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के कुल 1 पद हैं, एज लिमिट 30 साल हैं, और MTS के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, MTS के कुल 24 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट 30 साल हैं। इन सभी पदों के लिए एज लिमिट जो L6 का पद हैं, L5 का है, उनके लिए 35 साल, बाकी जो उससे नीचे का पद है उसके लिए एज लिमिट 30 साल हैं। कल ही एडवर्टाइजमेंट आया था बट कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका, इसलिए आज बना रहा हूँ। यह जो विभिन्न पद हैं यह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आया है। आपको बता दूँ कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कि इस वेबसाइट पर और भी वैकेंसी आई है, जिसमें रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर के लिए आया है, तो उससे उसका जो है अलग से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप इन पदों पर इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर आपको डिटेल जानकारी देखना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और भी पद हैं जो दो दो चार चार करके आवेदन आमंत्रित किया गया है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ जहाँ से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। स्टार्ट डेट और टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8/10/2022 से शुरू हैं, और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/11/2022 रात्रि को 12 बजे तक हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ₹1000 एप्लीकेशन शुल्क है जनरल में,
और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क है। अप्लीकेशन शुल्क आपको ऑनलाइन पे करना है और अप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल करना है। अगर दूसरे तरह से आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैं दिखा देता हूँ, इस लिंक पे भी जाकर आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे और उसी के नीचे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसमें विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अब हम बात करते हैं विभिन्न पदों में क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्यूरेटर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है, सेकेंड ग्रेड मास्टर डिग्री है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको देखना है। इसमें असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस UDC या इक्विवेलेंट किसी भी पद से रिलेटेड होनी चाहिए। टाइपिस्ट पद के लिए ग्रेजुएशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं। पोस्ट या करके दिया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। या सेकेंड पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या लाइब्रेरी ऑटोमेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिजाइबर से रिलेटेड अलग हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लाइब के लिए भी क्वालिफिकेशन दिया है। तो क्या करना है कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके खुद पढ़ना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी बताने में जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, 8 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं क्लास पे आवेदन आमंत्रित हैं। यदि आप 12वीं क्लास पास हैं तो 12वीं क्लास पे आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 10वीं क्लास पास हैं तो 10वीं क्लास पास लेवल पे टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, यानी जो टाइपिंग स्पीड है 50 मिनट आपको टाइप करना है इंग्लिश शब्द में, और 65 मिनट है आपकी हिंदी। तो इस तरह से डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। LDC पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह 12वीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित है। LDC पद के लिए ओनली 12वीं क्लास पास हैं। इसके अलावा स्किल टेम्स एंड नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर है, तो इसमें टाइपिंग स्पीड है, आपको पता ही है कि LDC पद में टाइपिंग स्पीड कंपलसरी रहता है। तो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट, या इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी, साथ में संस्कृत भी है, यानी संस्कृत आप टाइप करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट है। यदि आपको संस्कृत आता है और संस्कृत में टाइप कर लेंगे तो आपको ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12वीं क्लास पास लेवल पे हैं, साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। MTS पद के लिए 10वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं और डिजाइवर में 2 साल का संबंधित सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है, तो आपको डिजाइवर के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यह विभिन्न पदों की बात है। अब टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्ली